वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल द सितेश शेयर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है हेल्थ अपॉन इनफर्टिलिटी, जिसके अंदर हम सबसे पहले लिख लेंगे आइडेंटिफिकेशन डाटा। उसमें लिखेंगे हम नेम ऑफ स्टूडेंट, लिख लेंगे सब्जेक्ट, लिख लेंगे टॉपिक, लिख लेंगे मेथड ऑफ टीचिंग, क्लास, एवियर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टाइम ड्यूरेशन, डेट एंड प्रीवियस नॉलेज ऑफ ग्रुप मेंबर्स। पहले से कितनी नॉलेज है ग्रुप मेंबर्स को इस टॉपिक से रिलेटेड। इसके बाद में हम जनरल ऑब्जेक्टिव लिख लेंगे। जनरल ऑब्जेक्टिव के बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिख लेंगे। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो जाएगा, डेफिनेशन, इसके बाद टाइप, कॉजेज, इम्पैक्ट ऑफ इनफर्टिलिटी ऑन पीपल, ट्रीटमेंट, मेजर्स हो जाएंगे, उसके बाद प्रिवेंटिव मेजर्स हो जाएंगे इनफर्टिलिटी के, ठीक है। इसके बाद हम टेबल बना लेंगे जिसके अकॉर्डिंग सारा डाटा लिखने वाले हैं, जिसके अंदर सबसे पहले सीरियल नंबर, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, टाइम, कंटेंट, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी, एवियर्स और इवैल्यूएशन, ये सारे हम कॉलम बना लेंगे इसके अकॉर्डिंग, जिसके अकॉर्डिंग हम डाटा लिखने वाले हैं, सारा डाटा लिखने वाले हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर इनफर्टिलिटी इज़ रेफर्ड टू कपल दैट हैज़ फेलियर टू कंसीव आफ्टर 12 मंथ्स ऑफ रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट द यूज़ ऑफ एनी कॉन्ट्रासेप्शन। इनफर्टिलिटी कैन बी ड्यू टू द वूमन और मैन और बोथ। ये वही है कि एक साल तक कोई भी कपल सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है विदाउट कॉन्ट्रासेप्शन, और अगर वो बेबी कंसीव नहीं कर पाते हैं तो इसे इनफर्टिलिटी कहते हैं, और इनफर्टिलिटी दोनों में हो सकती है, मेल फीमेल, ठीक है। इसके बाद हम टीचिंग लर्निंग मेथड में लिख लेंगे, लाइक केयर कम डिस्कशन मेथड या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, एवियर्स में जो यूज़ कर रहे हैं, और लास्ट में क्वेश्चनिंग कर लेंगे हम, जैसे कि व्हाट इज़ इनफर्टिलिटी पूछ लेंगे लास्ट में हम। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद हम डेफिनेशन लिख लेंगे कि इनफर्टिलिटी इज डिफाइंड एज फेलियर टू कंसीव विद इन वन और मोर ईयर्स ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड कोइटस। डेफिनेशन लिख लेंगे। डेफिनेशन के बाद हम टाइप लिख लेंगे। दो टाइप्स हैं इसके, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वाले में नॉट कंसीव्ड आफ्टर एटलीस्ट वन ईयर ऑफ हैविंग सेक्सुअल सेक्स विदाउट एनी बर्थ कंट्रोल, डू नॉट हैव चिल्ड्रन। सेकेंडरी में कपल हु हैव बीन एबल टू कंसीव नेचुरली बट आर नॉट अनेबल टू हैव चिल्ड्रन मतलब इसमें क्या है, कपल एबल तो है लेकिन प्रेजेंट टाइम पे वो अनेबल हो चुका है किसी ना किसी कारण की वजह से बेबी कंसीव ना करने में। इसके बाद कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी लिख लेंगे हम। सबसे पहले मेल के अंदर देखेंगे, जैसे कि पहला हो जाएगा लो स्पर्म काउंट, ऑब्स्ट्रक्शन इन जेनिटल ट्रैक्ट, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मोबिलिटी ऑफ स्पर्म, वॉल्यूम ऑफ स्पर्म, फिजिकल एबनॉर्मलिटी, ये मेल के अंदर रीज़न हो जाएंगे इनफर्टिलिटी के। अब फीमेल के अंदर लिख लेंगे हम, जैसे कि कॉजेज इन फीमेल, जेनेटिक इनफर्टिलिटी, एज की वजह से हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब एंड ओवुलेटरी साइकिल, इम्यूनोलॉजिकल इनफर्टिलिटी और पैथोलॉजी ऑफ यूटेरस, इन कारणों से हो सकती है इनफर्टिलिटी को। उसके बाद में हम लिख लेंगे इम्पैक्ट्स ऑफ इनफर्टिलिटी ऑन पीपल, भाई ऐसे कौन कौन से इम्पैक्ट हैं जो लोगों के ऊपर या कपल के ऊपर देखने को मिलते हैं इनफर्टिलिटी की वजह से। इसकी वजह से वॉयलेंस हो सकता है, डिवोर्स सिचुएशन देखने को मिल सकती हैं, सोशल स्टिग्मा है, इमोशनल स्ट्रेस देखने को मिल सकता है, डिप्रेशन में जा सकती है फीमेल या मेल जो भी है, लो सेल्फ इस्टीम हो सकती है, एनजाइटी देखने को मिल सकती है। इसके बाद ट्रीटमेंट मेथड कौन कौन से हैं इनफर्टिलिटी के लिए, इसके अंदर ट्रीटमेंट, वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट मेथड आर प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू द कोज ऑफ द इनफर्टिलिटी, अलग अलग कोज के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट मेथड हैं, जैसे कि सेल्फ केयर, टाइम्ड इंटरकोर्स, सेकंड मेडिकेशंस हो जाएंगी, एस्ट्रोजन मॉड्यूलेटर्स, एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस, मेडिकल प्रोसीजर हो जाएंगे जैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो जाएगा, ART और IVF। इसके बाद थेरेपीज हो जाएंगी, काउंसलिंग थेरेपी वगैरह, ये हम मेथड चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद प्रिवेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी, प्रिवेंशन में क्या करेंगे, एवॉइड अल्कोहल एंड स्मोकिंग, लिमिट कैफीन इनटेक, रिड्यूस स्ट्रेसर्स, कीप द वेट लो, वेट ऑफ मतलब वेट कम करना है हमको। लास्ट में हम बिब्लियोग्राफी लिख लेंगे, भाई हमने डाटा लिया, कौन कौन सी बुक का रेफरेंस लिया था हमने,
तो ये डाटा लिख लेंगे हम, डेटा लिख लेंगे सारा। लास्ट में हम नेट रेफरेंस लिख लेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्दी प्राप्त हो। और अगर आपको वीडियो में कोई भी कमी लगती है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं ताकि मैं वो कमी दूर करने की कोशिश करूं। धन्यवाद।